गिरीश शर्मा, पहले तो हम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और नए साल की शुभकामना देता हूं। क्रांति फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं क्रांति फिल्म। हम उसमें विलेन के किरदार में हैं, मेरे साथ भाई बालेश्वर जी हैं और मेरे दोस्त बाबा जी हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग विलेन के किरदार में हैं। तो जैसा कि आपने देखा क्रांति, तो लग ही रहा है क्रांति है। अब आगे पूछिए पूजा जी। सबसे पहले तो जो भी इन चैनलों के दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आज क्रांति फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और बहुत ही शानदार स्टोरी है। एक क्रांति आज से कुछ साल पहले आई थी जो बहुत बड़ी हिट थी, जिसमें बहुत बड़े महान एक्टर लोग थे और मनोज कुमार जी से लेकर मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर थे। और अब ये दूसरी क्रांति बन रही है जिसके हम पात्र हुए हैं, तो खुशी इस बात की है एक बहुत बड़े हिट फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा। लेकिन बस ये है कि कहानी वो नहीं है, कहानी आज के समस्याओं पर है और औरतों पर जुल्म के खिलाफ है ये कहानी। और इसमें विलन हम कर रहे हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विजय सोलंकी जी, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। प्रोड्यूसर हैं शंभू पांडे जी, उदय जी। तो उदय जी, शंभू जी की एक फिल्म मैं और कर रहा हूँ साथ में ही, मैं तेरा मजनू। तो दोनों फिल्म साथ में शूट होने जा रही है, बहुत दोनों की अच्छी स्टोरी है और हम उम्मीद करते हैं आज इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म बने। और ये फिल्म भी जिस तरह से वो फिल्म बहुत बड़ी इतिहास बनी थी, ये भी फिल्म इतिहास बने और हम लोग उसका हिस्सा हों, इसके लिए धन्यवाद कहूँगा शंभू पांडे जी का, जो उन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया। इसमें मूलतः ये दिखाया गया है कि एक औरत पे हम लोग जुर्म करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि औरत कितना देर तक बर्दाश्त करेगी, यही मेन इसका थीम है। तो हम लोग सब विलेन मिल करके उस औरत पे जुर्म ढाते हैं, अंत में औरत तो दुर्गा काली की रूप ले लेती है। इस ढंग की इसमें कहानी है और हम लोगों का विनाश करती है। शंभू जी इसके जैसा कि प्रोड्यूसर हैं, सोलंकी जी डायरेक्टर हैं, तो इन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहानी सुनाया, तो एक सबके बीच की कानूदा डांस मास्टर हैं, संतोष है डांस मास्टर, तो इस ढंग से एक इंडस्ट्री की सभी दिग्गजों को एक जगह लाया गया है। गुंजन जैसा कि हीरो है, अभी गुंजन की फिल्म खुद्दार लगी हुई है, काफ़ी अच्छी चल रही है और नया लड़का एक काफ़ी प्रतिभावान हीरो है, इसमें दो मत नहीं। तो इस ढंग की कहानी बनाई गई है। अब आप लोगों से यही उम्मीद रखेंगे कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और जल्दी फरवरी में हम लोग जा रहे हैं। गुंजन की एक पर्सनालिटी हीरो की पर्सनालिटी है, मैं बोलने में बेबाक हूँ इसलिए मैं एकदम सब करीब करीब हीरो हैं, उसमें सबसे बढ़िया पर्सनालिटी गुंजन की है, इसमें दो मत नहीं। जो एक हाइट होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए, बॉडी में डांसर की लचक होनी चाहिए, वो चीज़ गुंजन के अंदर है। तो शंभू जी को मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक हम लोगों के विपरीत एक हीरो जो कास्ट किया है, वो हम लोगों को लगता है कि जोड़ीदार है, उसके अंदर वो दम है, सब कुछ है, मजा आएगा। ऑफकोर्स क्योंकि उसकी भी हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, लगता है कि नहीं मेरे सामने कोई हीरो खड़ा है। तो मैं शंभू जी को भी, सोलंकी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं भाई, रियल लाइफ में तो मैं तो हर ढंग का आप आजकल कैरेक्टर कर रहा हूँ, रियल लाइफ में मैं विलेन नहीं हूँ, केवल पर्दे का विलेन हूँ। राम जी ऐसा मत कहलवाइए। बाबा नायक के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं हिंदी मूवी में एक्चुअली 4-5 मूवी काम कर चुका हूँ, एक पुष्पा आईआईटीयर और एक सुल्तान मिर्जान रवि किशन जी के साथ, अभी मतलब आधा हो चुका है, आधा होना बाकी है, और 3-4 मतलब लाइन से। और भोजपुरी पिक्चर में मैं अभी इनके साथ करने जा रहा हूँ, शंभू पांडे जी के साथ, ये फर्स्ट मूवी इनके साथ बस। और बाबा नायक इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि जो एक रामा रेड्डी पहले थे तो उनका 2 कॉपी में हूँ, तो इसकी वजह से सब नाम इस तरह मेरा फेमस हो गया है। क्रांति किस तरह से लिखने की तैयारी किया है आपने? क्रांति अब जिस तरह शंभू पांडे जी बोले हैं, बहुत ही मारधाड़ वाली फिल्म है, इसमें औरत के ऊपर बहुत अत्याचार है, तो उसको मतलब औरत कितना सह सकती है, फिर वो हम लोग के ऊपर बनाया जाएगा। बधाई हो इस क्रांति मूवी के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में फिल्म शुरू किया है। एक वो हिंदी में क्रांति थी जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, शशि कपूर जी थे, हेमा जी थी, उससे भी ज़्यादा बड़ी हिट हो, भोजपुरी में रिकॉर्ड बनाए, और आजकल भोजपुरी में काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही है और शंभू जी ने काफ़ी बेहतर फिल्में बनाई है। तो गॉड ब्लेस ऑल टीम, एंड हमारी भी शुभकामनाएं कि फिल्म खूब चले। जी, जी, आपका कहना चाहिए, आपकी फिल्म है। तो
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मूवी को लेकर के कि इस तरह की मूवी निकाली जा रही है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये मूवी नारियों के ऊपर आधारित है, जो अत्याचार हो रही थी नारी के ऊपर, इसको लेकर के इस पर सारे नारी हम मिल कर के एकजुट होकर के हम लड़ेंगे, इस पर ही आधारित मूवी है और ये उदय सिंह प्रोडक्शन की तरफ से रिलीज़ हो रही है। तो मैं चाहूँगी अपने जितने भी श्रोता है सबसे अपना आशीर्वाद मांगूँगी कि ये मूवी सक्सेसफुल हो। जी हाँ, जरूर दूंगा। ये पिक्चर हमारे दोस्त शंभु पांडे जी हैं। मुझे सबसे पहले खुशी इस बात की है कि एक हिंदी में बनी थी, जिसके बारे में मेरे छोटे भाई सनवाज जी ने अभी कुछ कहा। तो और दूसरी बात ये है, ये फिल्म की शूट ये मेरे शहर देवरिया में ही जा रही है, तो मेरी शंभु जी के साथ पूरी कोशिश रहेगी कि इस पिक्चर को जितने जल्दी हो इसको बनवा सके और आप लोग के बीच में इसको देखने को मिले। जी ये तो बताऊंगा नहीं, सर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी तो बहुत बड़ी फिल्म बनाई है। मैंने तो अभी आप जानते ही 26 अक्टूबर को 2000 ये रिलीज हुई थी, 2018 में काशी शर्मन जोशी के साथ हुई थी, जिसमें शर्मन जोशी, गोविंद नामदेव और मनोज पावा, मनोज जोशी, ऐसे बड़े बड़े एक्टर थे। और हमारी फिर भी कोशिश है कि दूसरी फिल्म और एक बड़ी हम हिंदी अनाउंस करने जा रहे हैं और आपको 26 जनवरी बाद आप लोग को फिर सामने आप लोग को भी मौका मिलेगा, हमारे सारे बड़े स्टारों से के बीच में आप लोग आएंगे। और भोजपुरी भी बहुत जल्दी मार्च में अच्छे बड़े एक्टर के साथ आपको मेरे प्रोडक्शन के द्वारा आपको दिखाई देगा। आप और शंभु जी एक ही जिले से हैं? जी हाँ, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी हिंदी, वफा, राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब को लेके। वो मेरे दोस्त भी हैं और इनकी सोच को देख के तभी मैंने एक बड़ी फिल्म अनाउंस हम लोगों ने किया था हमारी, और इनसे बड़ी फिल्म हम लोगों ने बनाया। अब उनकी सोच है कि उससे बड़ी फिल्म मैं बनाऊं, डेफिनेटली। तो हम लोग का कंपटीशन चलता रहेगा। गॉड ब्लेस आप दोनों के लिए, क्योंकि आप लोग बनाए, बेहतर इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिले और खास करके ये पत्रकार भाइयों को, हाँ, लोग को काम मिले, स्पेशली आप लोग को प्रमोट करने के लिए कुछ यूनिक होता रहे। बिल्कुल, तो भगवान करे कि भाई क्रांति फिल्म चले। पहली बार तो हिंदी में क्रांति थी और भोजपुरी में क्रांति आ रही है, तो एक बार फिर बिल्कुल तहलका होना चाहिए, तहलका होना चाहिए, बिल्कुल क्रांति होनी चाहिए भोजपुरी के लिए, तो होनी चाहिए। आप एक सिंगर हैं और आप एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं। हाँ, क्यों नहीं, अभी जस्ट मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है आशीर्वाद से, और हमारे जितने भी पब्लिक है, जनता है, सबके आशीर्वाद से फिर ये मेरी दूसरी मूवी है जो कि आज जिसका मुहूर्त है और आप सभी लोग आए हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ मजनू तेरा की शूटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत अच्छी मूवी वो भी थी और ये भी आप लोग देख ही रहे हैं, नाम क्रांति है, तो हम लोग कुछ क्रांति करना चाहते हैं। बस आप उसके भी डायरेक्टर शायद शंभू जी, मेंशन करिए उस चीज़ को। उस दोनों मूवी की प्रोड्यूसर वही है, उदय सिंह जी और शंभू पांडे जी। तो मैं चाहूँगी कि एक से एक ऐसी मूवियाँ वो लोग बनाए और सभी सक्सेसफुल हो। शंभू जी ने दूसरी पाली शूट किया है, तो पहली पिक्चर भी मैं हूँ मजनू तेरा, दूसरी क्रांति है, तो कहने की कोई बात नहीं, मजनू बना के बाद में क्रांति करवा दी, और दोनों में मैं ही हूँ। चलिए चल सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके हीरो बिंगन सिंह जी और एक सिंगर हैं, हाँ, दो सिंगर की कैसे ट्यूनिंग रहने वाली है? सर देखिए, दो सिंगल लोग की कभी ट्यूनिंग हो ही नहीं सकती, दोनों गायक, ऐसा बोलिए सर। हो सकता है कभी कुछ हो जाए चेंजिंग भी। भाई दो सिंगल लोग की ट्यूनिंग हो ही नहीं सकती, दोनों गायक हैं तो इनकी ट्यूनिंग हो सकती है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी और आज मेरा नाम है पूजा दुबे, आज हमारी मूवी का मुहूर्त है और क्रांति तो काफ़ी पावरफुल होगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुहूर्त में आके, और अब आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इस मूवी पे बनाए रखिए। किरदार क्या है आपका? इसमें मेरा किरदार काफ़ी पावरफुल है, लेकिन मैं अभी इसे आउट नहीं करना चाहती हूँ, ये सस्पेंस है, सस्पेंस ही अभी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इस फिल्म के प्रोड्यूसर एक्चुअली मैं नाम तो उदय जी, हाँ उदय, हाँ तो उदय सिंह है, उमेश जी है, तो ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, इनके साथ मैं ये दूसरी बार काम कर रही हूँ और इससे पहले भी कर रही थी, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में भी मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पूजा जी और आपकी कौन कौन सी भोजपुरी फिल्में हैं? मैं
दिल के करीब की हूँ, जो मार्च में मेरी रिलीज होने वाली लव मैरिज की हूँ, जो अक्षरा जी के साथ में की हूँ, और शंकर जय किशन की हूँ। बाकी पहले की थी तो काफ़ी छोटे छोटे रोल थे, तो उसके बारे में बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन अभी ये 2019 मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं दुआ करती हूँ कि सबके लिए ये 2019 बहुत अच्छा हो। भोजपुरी में पवन सिंह मेरे फेवरेट हीरो बहुत गुंजन सिंह, हाँ गुंजन सिंह है, लेकिन गुंजन सिंह भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ मैं एक्चुअली काम नहीं की हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें, बहुत अच्छे हैं और इस मूवी में काम कर रही हूँ उनके साथ में, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है उनके साथ। फिल्म क्या बोलूँ, फिल्म अच्छी बना रहे और हमारी कोशिश है कि इस फिल्म को देखने के लिए घर से महिलाएं आएँ, क्योंकि आज भोजपुरी में ये आलम हो गया कि घर से कोई महिला सिनेमा हॉल में नहीं जा रही, क्योंकि इतनी मतलब फिल्में जो बनी जो भी आ रही है ज़्यादातर डबल मीनिंग फिल्में आ रही हैं, तो हमारी कोशिश है कि अच्छी फिल्म बनाएं और औरत कम से कम सिनेमा हॉल तक आना शुरू करें। सर आप बताइए फिल्म के बारे में। फिल्म जो क्रांति है वो बहुत ही अच्छी फिल्म है और बनने के बाद तो दर्शक को पता चलेगा। पूछिएगा तब ना, क्रांति तो बनने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा फिल्म है, बाकी देखिए। देखिए गुंजन सिंह वहाँ के फेमस सिंगर हैं और आज तक भोजपुरी में जितने भी मेल सिंगल लॉन्च हुए, जैसे निरहुआ जी हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, फर्स्ट टाइम निशा उपाध्याय सिंगर हैं, तो फर्स्ट टाइम हम एक सिंगर को नायिका के रूप में हम लोग पेश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि निशा जितना अच्छा गाती है उतना ही अच्छा एक्टिंग भी करे। इससे पहले निशा हमारे साथ अभी एक फिल्म में काम किया था, मैं हूँ मजनू तेरा में, तो उनका काम इतना हम लोग को अच्छा लगा कि हम फिर उनको रिपीट किए। क्या क्वालिटीज देखते आप निशा में जो आपको लगा कि इस किरदार के लिए परफेक्ट है? निशा में एक फायर है, जैसे किसी भी आर्टिस्ट में या सिंगर में हम काफ़ी लड़के लड़कियों से मिलता हूँ, तो उसमें एक जज्बा आगे बढ़ने का, उसमें एक फायर है, तो इस फिल्म के लिए निशा से बेहतर मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लगा। और एक और इसमें मार्केट हीरोइन है जो बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। जैसे फिल्म का नाम है क्रांति लिख दिया, तो क्या कहना चाहें, किस तरह क्रांति आने वाली? क्रांति समाज के बदलाव में थोड़ा भी अगर इस फिल्म का हाथ रहा तो हम सोचेंगे कि हमारा मेहनत सफल रहा। जैसे आप देवरिया से हैं तो देवरिया देवभूमि मानी जाती है, गोरखपुर इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर। उदय जी के साथ मिल करके ये जो राजेश कुमार जी के साथ है आपकी जो त्रिमूर्ति का एक नया संगम हुआ है, जी हाँ हम तीनों मिलकर आगे बनाएंगे, आज तक तो हम मुझे भाई मिलकर ही बना रहे थे, अब हम तीनों त्रिमूर्ति मिलकर बनाएंगे, साथ में अच्छी फिल्म बनाएंगे। राजेश जी जुड़े हुए हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे? अब राजेश जी से पूछिए। जी सर बोलिए। जी सर अपने बारे में पहले राजेश कुमार यहाँ पटना के, जैसा कि सरपुर जी बताएं इस फिल्म से भोजपुरी पिक्चर में क्रांति आई, तो इस फिल्म से लेकर कुछ आपका उद्देश्य मैसेज क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि समाज में क्रांति आई थी इस फिल्म को रिलीज होने के बाद, और आज तक का भोजपुरी पिक्चर से ये हटके फिल्म है, इसके रिलीज के बाद अगर दर्शक देखते हैं ढंग से तो समाज में क्रांति आएगी। गाने कितने होंगे और गानों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें गाने 8 हैं, जिसमें 6 गाना रोमांटिक है और 2 आइटम है। ये हम 2 फिल्म एक साथ आउटडोर शूटिंग करने जा रहे हैं, देवरिया 18 तारीख से मैं हूँ मजनू तेरे का है और 10 तारीख से क्रांति की शूटिंग। फिल्म एक बहुत अच्छी पिक्चर है, इसके बारे में मुझे बताया जैसे हमारे जो प्रोड्यूसर है इस पिक्चर के उदय जी, तो अभी बहुत अच्छी कहानी है, सस्पेंस है, कहानी ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, इतना जानते हैं कि हमारे मधुकर मन जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर उदय सिंह जी हैं और एक अच्छा फिल्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी तो सब हमारे भगवान स्वरूप दर्शकगण हैं, सब उन्हीं पे हैं।
फिल्म में आपकी जो अपोजिट है निशा जी, एक नई अभिनेत्री है, वो भी सिंगर है, इस फिल्म से कहीं ना कहीं लॉन्च हो रही है, कहा जा सकता है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक अच्छी सिंगर हैं, अच्छा गाती हैं, और इस फिल्म में एक और हीरोइन है अभी जो जिसका नाम ओपन नहीं किया गया है। इसमें दो हीरोइन रहेंगे, इसमें एक निशा उपाध्याय जी और एक और हीरोइन है जो रहेंगी। तो अभी सब चल रहा है, प्रोसेस में है सब। गुंजन जी के साथ पहली बार मुझे मौका मिला है काम करने का। गुंजन हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। मैं इनका पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, इनका वॉइस। तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके साथ जुड़ के कुछ और अच्छा चीज़ इनको बना के दूंगा और ये बहुत अच्छा गाएंगे उसको। तो एक एक्साइटमेंट है, पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी फिल्म का पूरा स्टोरी, अरे हमारा तदम पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर है और हम चाह रहे थे बहुत दिन से कि हमारे साथ भैया हम दोनों काम करें एक दूसरे से मिलजुल के, और आज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक अच्छा फिल्म बनेगा, म्यूजिक तो एकदम ज़बरदस्त रहेगा और अच्छा गाना एक दो अभी रिकॉर्ड भी होगा। अभी इस पिक्चर के जितने भी गाने हैं सब अच्छे होंगे और सब पे हम लोग बैठ के मेहनत करेंगे, बाकी तो भैया आइए। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी फिल्में हैं आपकी, कुछ बताना चाहिए? अभी एक हमारी फिल्म रिलीज होगा था 25 जनवरी के नसीब बिहार झारखंड में, इससे पहले खुददार आया था, सबों का बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिला है। और कई फिल्में अभी साइन है, तलाश है, ये मुसाफिर है, अभी ये क्रांति है, और भी बहुत सारे हैं जो चल रहे हैं। हाँ, इस फिल्म के हमारे प्रोड्यूसर उदय सिंह जी हैं जो बहुत अच्छे हमारे भाई समान हैं और हमारे क्षेत्र के ही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर के प्रोड्यूसर हैं जो फिल्म बना रहे हैं, तो हीरो भी घर का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका लिखते बोल रही हूँ, क्रांति। नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका और आज क्रांति लिख दे इस फिल्म का आज मुहूर्त किया हम लोगों ने, जिसके हीरो हैं गुंजन सिंह जी और हीरोइन है निशा उपाध्याय एंड जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं मधुकर वर्मा जी, और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपोजिशन हैं। अभी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया जो कि बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत प्यारा कंपोजिशन था और मुझे गा के बहुत अच्छा लगा। प्रियंका, एक भोजपुरी वेब सीरीज आई है जिसका एक गाना काफ़ी हिट हुआ है, रिलीज किया गया जो आपकी आवाज़ में है जी, कुछ कहना चाहेंगे कितना प्यार लोगों से मिला है? जी, एक वेब सीरीज आई है हीरो वर्दी वाला नाम जी है, दिनेश जी, आम्रपाली जी, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें अच्छे काम किए हैं। मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा लगा और भोजपुरी के लिए, हमारी भोजपुरी के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि इसमें एक अच्छी वेब सीरीज आई है और आप लोग इसको देखिए, प्यार दीजिए। उसमें मेरा एक गाना है जो बहुत ही प्यारा है और इस गाने को पब्लिक ने बहुत पसंद किया है, सो थैंक्स टू ऑल जी। मधुकर जी, वेब सीरीज शुरुआत की गई है, ये एक बढ़िया विस्तार है भोजपुरी इंडस्ट्री का, और विस्तार जितना ज़्यादा होगा उतनी गहराई भी बढ़ेगी, ऑडियंस का अलग अलग वर्ग उतना ही जुड़ेगा हम लोगों से। अभी एक खास वर्ग जुड़ा है, वेब सीरीज के बाद और भी खास वर्ग जुड़ेंगे, फिर बहुत अलग अलग स्तर के ही भोजपुरी हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि दिन दूनी रात चौगुनी भोजपुरी तरक्की कर रही है और ऐसे करती रहे हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी अपने साइड से हर, अभी काफ़ी दिनों से हम लोग भी अलग अलग तरह के गाने करते हैं भोजपुरी हमारी जनता के लिए, जैसा आप लोग देखना चाहते हैं और आशीर्वाद भी मिलता है जनता का, और आशीर्वाद भी मिलता है। तो बस यूं ही हमारे जो भी काम है सबको आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें सहयोग कीजिए, और बाकी हम गुंजन जी से सुनते हैं इनकी जुबानी, इनकी फिल्म की कहानी। गुंजन जी, वेब सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है, अगर आपको मौका मिले कोई वेब सीरीज भोजपुरी में करने का तो क्या करेंगे? जरूर किया जाएगा, और जो ऐसे भी हम लोग अच्छे गाने गाते हैं, मतलब कोई गंदा गाना गाना पसंद ना करते ना सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सभी लोग अच्छा एक प्रयास है और बहुत अच्छा किया जाएगा। पे गोरी तू छौले बाड़ू, आज दो लाइन हो जाए थोड़ा। हम कहीं से प्रभावित नहीं है, किसी का नकल नहीं है, इनकी खुद की आवाज़ है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नए साल की शुरुआत में कुछ नया गाना सुनाना चाहिए?
आपकी कंपनी से समय समय पर रिलीज होता रहता है आपकी कंपनी से, तो उसमें नहीं आएगा कि ये बड़ा अच्छा जी समय समय पर राम जी को मैं थैंक यू सबको, वैसे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी मीडिया के जो भी लोग हैं, सब लोग गाने को बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे, जो भी मेरे चैनल से गाने आते हैं उसको भी। और अभी गाना 26 जनवरी आ रहा है, उसके लिए मैंने अपने चैनल से भी गाना अभी आने वाला है, जो मैं यहाँ दो लाइन सुनाती हूँ जो संतोष पुरी जी का लिखा हुआ है, और जिसमें वो मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ। भारत माता के आन अभी आने वाला है मेरे चैनल से 26 जनवरी के मौके पर, तो आप लोग इसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और भी गाने हैं जो कि भैया के मधुकर भैया के संगीत निर्देशन में है, जो बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगा मेरी आवाज़ में। एंड गुंजन जी की भी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो सब मिलकर कर रहे हैं, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अरे प्यारे ऑडियंस हैं आप लोग, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, बस ऐसे ही बढ़ावा देते रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए, और हम लोग आपके लिए अच्छा अच्छा गाना बनाते रहें, बस मनोबल बढ़ाते रहिए। डायरेक्ट है आप हीरो के बगल में लड़कियां खड़ी।